नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाए कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था यहां पर वो था, कहां रुकेगा फिर ये? 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की, 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल खत्म हुए मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया, 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग, आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? ये उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाए कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था यहां पर वो था, कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा, डेमोक्रेसी कहां जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई वहां पर, वायलेंस हो गया, तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा, ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।